गाइस गुड इवनिंग, ये है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग और अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े में लूज हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैं जा रही हूँ अभी हनुमान चालीसा के पाठ है यहाँ पे उसमें, और उसके बाद में रामायण के भी कुछ पाठ वगैरह होंगे, तो आज हमारी सोसाइटी में गीतांजलि जी की बेटी का बर्थडे है, तो फिर उन्होंने हनुमान चालीसा रखा है कि हनुमान चालीसा अब करेंगे, और जबकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, हमेशा लेट हो जाती हूँ वैसे तो, बट कोई बात नहीं, जब भी जाओ भगवान के दर्शन अच्छे होने चाहिए, तो हम चलते हैं थर्ड फ्लोर। चलो, ये है मेरा पूजा का लुक, सूट्स मेरे सारे लूज हो चुके हैं, तो बताया मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सिंपल सी रेडी हुई हूँ क्योंकि पूजा है, तो क्या कोई पार्टी कर रही हूँ, तो वहाँ चल के आपको थोड़ा सा कुछ बनाने का मौका मिलेगा तो मैं बनाऊँगी। तो गाइज ये मैं आपको पहले डेकोरेशन दिखा देती हूँ जो इन्होंने की है, ये इन्होंने होली का भी इसके अंदर रखा था थीम कि हम लोग सब भजन करने के बाद में होली भी करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि राम जी इस बार राम भगवान हमारे अयोध्या में आए, तो उनकी पहली होली है ये अयोध्या में, इसलिए हमें भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो अभी जैसे फागुन का महीना चल रहा है तो हमने पहले ही होली सेलिब्रेट करी देवी देवता के साथ में, तो ये उन्होंने दीवार पे बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए थे, बहुत पढ़ने में मज़े आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनका क्लिप बनाया था कि आप लोग भी पढ़ सको, और बहुत सुंदर डेकोरेशन। अरे
सामान नहीं था, मेरे पास लोग थे। श्वेता जी आप आए नहीं हो क्या होली में? चलो रश्मि यही चाहिए था, यही यही चाहिए था। ये भी फोटो का एक पार्ट है जो हो रहा है यहाँ पे। पांच कर।
पूजा को लिखा है कुछ लो नहीं प्यार से खाओ, ये कुलचे पड़े इसमें, सबने बहुत ही प्यार से खाए कि प्लेट ही खाली हो गया, प्लेट खाली हो गया, तुम्हारे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। काउंटर ये छोले हैं, कुछ बचा ही नहीं। ये बनारस वालों का, ये बनारस की है इनका, ये काची वड़ा यहाँ मिल गया इनको। आपको तो आज क्या मिल गया होगा ना, मजा मिल गया, आज मुझे मजा आ गया। कुछ मीठा सीठा, कुछ मीठा सीठा, मीठा सीठा में खीर, सेवैया, सेवैया बिरयानी, रायता, बहुत अच्छा करा है आपने। गाइस मैं आ गई हूँ घर पर, मैंने घर पे आके कर लिया है चेंज, और अब मेरा देखो क्लचर ऐसे टूट टूट के निकल रहा है, टूट गया मेरा क्लचर। हाय गाइस, तो गाइस मैं आ गई घर पर, मैंने आके कर लिया है चेंज, और आज ये ऐसे बहुत कर रही, कैसे कर रही पागल हो गई मेरी बूबी। तो आप लोगों को होली का ये प्रोग्राम जो हमने किया था कैसा लगा, और आप लोगों ने देखा सब मुझे कितना सपोर्ट कर रहे थे मेरे यूट्यूब के लिए, सब ने इतने ये चुनिया ले लेके डांस करना, और सब मेरे सिर्फ मेरे यूट्यूब के लिए किया, ये बोले कि हम तेरे यूट्यूब के लिए करेंगे, तो पता नहीं यूट्यूब फैमिली तो कब बनेगी, लेकिन ये जो किफाफियन फैमिली है ना सीरियसली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मज़े आते हैं इन लोगों के साथ में ये सब करके शूट करके, और सब बहुत मन से आते हैं आगे कि हम भी कर रहे हैं, हमें ले ले शूट करते टाइम, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लोग सब अपने मन से करते हैं, तो थैंक यू सो मच मेरी किफाफियन फैमिली को सबसे बड़ा धन्यवाद कि ये लोग इतना करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं तो अच्छा लगता है। अभी मुझे शूट करने में भी बहुत इजी रहता है, क्योंकि ये सब पूरा दिखाने में मुझे मज़ा आता है, जो मैं यहाँ देखती हूँ मैं सोचती हूँ आप सब दिखाओ, और ये लोग इसमें सपोर्ट भी करते हैं, सब लोग आगे आते हैं, सब अपनी अपनी तरफ से जो जो एक्ट कर पाते हैं वो सब कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको हमारी किफाफियन फैमिली कैसी लगती है। दुबई में ये सब होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि मैं सीरियसली बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसी सोसाइटी में आई हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, और हर फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम इंडिया, हमें ऐसे नहीं लगता कि यार हम इस टाइम में इंडिया में क्यों नहीं है, वहाँ पे सब मज़े कर रहे हैं और हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, ऐसा यहाँ मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये छोटी सी फैमिली है हमारी, तो हम लोग बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सब खुश रहने की। तो भैया बहुत अच्छा लगता है, वो आपको किफाफ में रहना कैसा लगता है? तो हमारी मूवी तो जैसे सुनती है कि हम किफाफ से शिफ्ट करना का सोचते हैं, तो मूवी तो पहले स्टार्ट होती है, नहीं यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ बहुत अच्छा है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और वो तो देखो जैसा इन लोगों ने बनाया है ऐसा कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हूँ खुद को, और मुझे सच में बहुत मज़ा आता है, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो जो बाहर के लोग हैं किफाफ से बाहर के, वो लोग प्लीज़ कमेंट करना कि आपको हमारी सोसाइटी कैसी लगती है, आपको लगता है कि विदेश में ये सब होना पॉसिबल होता है, और जो हमारा ये है हम लोग ऐसे रह रहे हैं तो कितनी बड़ी चीज़ है ये, एक ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आपको आपका इंडियन कल्चर भी आप मिल रहा है, आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो और अच्छे से उसमें रह पा रहे हो, जी पा रहे हो सारे त्योहारों को जो आप मिस करने वाले हो सकते थे, बट मैं मिस नहीं करती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।